नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने काफी चीजों को आपको डिस्कस किया था, आज जो हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा टोटल प्रेशर। ठीक है, आज हम प्रेशर से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों को चीजें बहुत आसानी से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बेटा टोटल प्रेशर की। टोटल प्रेशर या हम लोग कहें कुल बल या कुल दाब हमारा क्या होता है, ठीक है ना। तो कुल दाब की बात की जाए, जैसे हम लोग अगर मान लो कोई भी टैंक ले या कोई भी हम लोग वो ले पाइप ले, ठीक है, तो जैसे मान लो कि इस टैंक में हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस टैंक में जैसे मान लो पानी भरा हुआ है, तो इसमें पानी भरे होने के कारण इसमें क्या होगा बेटा कि इसमें प्रेशर लगेगा सरफेस पे, ठीक है बेटा, क्योंकि ये लिक्विड हमारा भरा हुआ है। मान लीजिए हमने कहा कि ये लिक्विड एच हाइट तक भरा हुआ है, तो ये एच हाइट तक जब हमारा लिक्विड भरा होगा तो अगर हम इस सरफेस की बात करेंगे तो इस सरफेस पे क्या होगा, लिक्विड का फोर्स लगेगा, ठीक है, या लिक्विड का हम लोग कहेंगे प्रेशर लगेगा। तो जो लिक्विड का टोटल वेट होगा, ठीक है, जो टोटल वेट होगा इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा इस सरफेस पे, ठीक है बेटा, इस एरिया पे, इस सरफेस पे। तो जब हम इसको एरिया के बेसिस में कैलकुलेट करते हैं कि जो टोटल वेट है, ठीक है बेटा, इस फ्लूड का जिसे हम लोग फोर्स लिख रहे हैं, हम लोग वेट लिखे, ठीक है बेटा, फोर्स लिख लें या डब्ल्यू लिख लें, वेट लिख लें, पर यूनिट एरिया, अगर हम पर यूनिट एरिया से इसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई एरिया हमारा जो सरफेस का इतना है जिस पे हमारा लिक्विड एक्ट कर रहा है, अगर उसको हम लोग उसके फोर्स से या उसके वेट से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा सरफेस में, जो लिक्विड का वेट होगा, इसके अलावा तो बेटा कुछ नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या होगा कि फोर्स और जो वेट पर यूनिट एरिया होगा, इसी को हम लोग कहेंगे टोटल प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें क्लियर होगी आपको कि टोटल प्रेशर हमारा क्या होता है, कि जब हम लोग किसी सरफेस से बात करते हैं, टोटल प्रेशर की बात करते हैं, तो जब किसी भी सरफेस पे टोटल फोर्स जो लगता है या कुल बल जो लगता है वो हमारा कहलाता है टोटल प्रेशर। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे किसी सतह पर द्रव्य द्वारा लगाया गया कुल बल, उस सतह पर कुल दाब कहते हैं, ठीक फ्रेंड। तो यहां पर प्रेशर की बात की जाए, टोटल प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसे हम लोग लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है बेटा, कि मतलब किसी भी सरफेस पे हम एरिया पे जो टोटल फोर्स लग रहा हो उसी को हम लोग टोटल प्रेशर से बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, या हम लोग कहते हैं दाब तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहते हैं, या हम लोग कहते हैं दाब तीव्रता। तो दाब तीव्रता की बात की जाए बेटा, जैसे मान लो कि हम लोग ये सरफेस है, अगर हम लोग किसी सरफेस को हम लोग फिर से बनाए, ठीक है फ्रेंड, देखिए जैसे हम लोग ये बात करें, अगर हम लोग इसी सरफेस को बनाएं, तो अगर ये टैंक है, इस टैंक में वाटर है, तो इसकी जो सरफेस होगी बेटा कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है बेटा, इसकी जो सरफेस होगी, एरिया जो होगी, जो सतह होगी, वो इस तरीके से होगी, और इस सतह पे हमारा क्या लग रहा होगा बेटा, फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। आपकी फोर्स नहीं लगा, आपकी क्या लगेगा बेटा, प्रेशर लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने एरिया का कंसिडर किया, बड़ा एरिया कंसिडर किया। तो कंसिडर करने के चक्कर में हम लोग का क्या है कि टोटल इस वाले पूरे सरफेस पे हमारा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, ठीक बेटा। तो जब हम लोग का टोटल जो प्रेशर होता है इस सरफेस पे, इस पर यूनिट एरिया पे, मतलब अगर हम लोग ये मान लीजिए हम लोग कहें कि ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना बेटा, 1 मीटर स्क्वायर है। तो जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का क्षेत्रफल होगा, तो उसपे जो टोटल प्रेशर लगेगा, टोटल जो प्रेशर लगेगा उसी को हम लोग कहेंगे दाब तीव्रता, या हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, ठीक फ्रेंड। तो जैसे हम लोग ने लिखा यहाँ पे, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल को दाब तीव्रता कहते हैं, ठीक है। दाब तीव्रता क्या होती है, जिसको हम लोग स्मॉल पी से बताते हैं, स्मॉल पी क्या होता है, कैपिटल पी बाई ए, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर पर यूनिट एरिया। मीन्स अगर हम यूनिट एरिया ले लें, मान लें हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले रहे हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितना भी प्रेशर लगेगा वही हमारा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये चीजें क्लियर हो गई, अगर एरिया की वैल्यू बदल जाएगी तो उस केस में हमारा जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो भी हमारी क्या होगी, चेंज जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है, दाब तीव्रता होती है, वो एरिया पे ही डिपेंड करती है, और साथ साथ जो प्रेशर होता है वो भी हमारा एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, लेकिन प्रेशर इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग को यूनिट एरिया से निकालना पड़ता है, यूनिट एरिया पे कितना हमारा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और टोटल प्रेशर की बात करते हैं, तो इस यूनिट एरिया पे टोटल फोर्स हमारा कितना लग रहा है, तो ये डिफरेंस है। जब फोर्स निकालते हैं तो प्रेशर निकलता है, जब हम लोग प्रेशर निकालते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकलता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग आगे बात करें, आगे डिस्कस करें, नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस वायुमंडलीय दाब। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है बेटा, ये कौन सा प्रेशर होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग हैं या बहुत कुछ भी चीजें हैं वो सब पृथ्वी पर रह रही हैं, वो कहां पर रह रहे, किसी एटमॉस्फेयर पर रह रहे हैं। तो जब किसी एटमॉस्फेयर पर रहेंगे अर्थ पे, तो वहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो जो एयर के जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर हो गई। तो पृथ्वी के सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायु जितना दाब लगाती है, ठीक है बेटा, तो अगर हम लोग उसका क्षेत्रफल ले ले, जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी का एरिया अगर हम लोग मान ले रहे हैं, एक बार के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितना भी फोर्स लगेगा वही हमारा प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, अगर हम लोग का एरिया एग्जैक्ट पता चल जाए तो हम लोग एग्जैक्ट भी प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर हमारा कितना आ रहा है। वैसे क्या होता है बेटा कि किसी भी अगर हम लोग अर्थ की बात करें, ठीक है, अर्थ की पृथ्वी की बात करें, उस पर जो हमारा प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना होता है, 1 atm, 1 atmospheric प्रेशर होता है। तो ये आप लोग चीजें ध्यान रखिएगा कि एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी चीज है और अगर कोई भी चीज वहां है तो उसके उसमें क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसमें प्रेशर अप्लाई होगा उस सरफेस पे, उस कोई भी चीज पे, चाहे हम है चाहे कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, कोई भी चीज है, तो अगर उस पर प्रेशर लगेगा तो कितना लगेगा, 1 atmospheric प्रेशर। और अगर 1 atmospheric प्रेशर की बात की जाए वो कितना होता है, 101.325 kPa। तो जब हम लोग kPa में निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 101.325 kPa। अब इसको हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग चीजें ध्यान रखिएगा बेटा, ये तीनों हमारे 1 atmospheric प्रेशर के बराबर हैं, 1 atm बराबर 101.325 किलो पास्कल या 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम लोग लिखते हैं 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, इसमें और आगे बात की जाए, 1 atmospheric प्रेशर किसके बराबर होता है, 101.325 किलो पास्कल बराबर 760 mm टॉर। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप जब चीजें ध्यान रखिएगा कि जो 1 atmospheric प्रेशर होता है 760 टॉर के बराबर होता है, और ये 13.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मरकरी कॉलम। तो ये क्या होता है बेटा कि जब हम लोग बात करते हैं मरकरी कॉलम में, तो मरकरी कॉलम में क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड होता है किसी भी पाइप में, या किसी भी अगर हम लोग छोटी पाइप बात करें उसमें अगर हम लोग लिक्विड मरकरी को रखेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी प्रेशर मेजर करते हैं किसी भी चीज का, इंस्ट्रूमेंट का प्रेशर मेजर कर रहे हैं, कोई भी चीज का प्रेशर मेजर करते हैं, जनरली हम लोग यूज करते हैं मरकरी। ठीक है, तो मरकरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी क्या होता है, एक हैवी लिक्विड होता है जिसका जो लेवल ऑफ लिक्विड राइज है बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा 13.6 न्यूटन मीटर स्क्वायर मरकरी कॉलम, मीन्स ये एक तरीके से क्या होता है कि यहां पर हम लोग बात करते हैं कि 13.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर उसका नहीं होगा बेटा, 13.6 mm ऑफ एचजी कॉलम। ठीक है बेटा, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0.0136 mm ऑफ एचजी। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये बेटा बहुत ही कम हो गया, आप लोग देख रहे हैं। तो इतना जो हमारा लिक्विड राइज करता है, इतनी लिक्विड राइज में हम लोग मेजर कर सकते हैं। और अगर हम लोग वाटर ले रहे हैं एज अ मीडियम और फिर हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। अब आप लोग जानते हैं 10.33 बहुत लंबा होता है। अब अगर हम लोग बात करें नॉर्मली, अगर हम हैं, ठीक है, हम लोग नॉर्मल हाइट की बात करें तो हम लोग कितने होते हैं, 1.5 से 2 मीटर के आसपास होते हैं, हम लोग 2 मीटर के आसपास होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 10.33 की बात करते हैं तो बेटा बहुत ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही हम लोग कभी इसका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए हम लोग 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग कितना यूज करते हैं, 13.6 mm का वाटर कॉलम, क्योंकि जब जनरली हम जब भी प्रेशर मेजर कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो इतनी हाइट सफिशियंट है, 0.0136। ठीक है, जिसमें हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट मैंने लिखा प्रेशर स्केल। अब बेटा क्या होता है, जो लिक्विड का प्रेशर होता है उसको हम लोग कई तरीके से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से मेजर कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा गॉज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। तो तीनों प्रेशर में हम लोग क्या करेंगे, चीजों को डिस्कस करते हैं। तो आगे हम लोग इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जो हमारा प्रेशर स्केल। ठीक है फ्रेंड्स,
तो प्रेशर स्केल की बात कर रहे हैं तो प्रेशर स्केल हमारे तीन टाइप से होते हैं बेटा, गेज प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है और वैक्यूम प्रेशर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, तो वही चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं बेटा, ये हम लोगों ने एक लाइन बना रखी है। ठीक है, हम लोग ने ये मान लिया कि जो रेफरेंस लाइन है उसी को हम लोग मान ले रहे हैं, क्या है, क्या है बेटा, ये एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन है। ठीक है ना, तो जब ये एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन होगी तो इसको ही हम लोग मान लेंगे कि भाई इसकी जो एब्सोल्यूट यहां पे जो प्रेशर होगा वो हम लोग मान के चल लेंगे भाई जीरो के आसपास होगा। ठीक है फ्रेंड, तो जीरो के आसपास हम लोग मान लेंगे कि जीरो एटमॉस्फेयर या जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर है हमारे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहां से ऊपर बढ़े तो यहां पे ऊपर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इस तरीके से 0.7 0.8 0.9 और यहां पहुंच गए हम लोग 1.0। ठीक है ना, तो अगर हम लोग ये एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन मान रहे हैं तो यहां से धीरे धीरे जैसे हम लोग 10 भागों में बांटेंगे बेटा, तो यहां 1.0 पहुंचेगा। यह हम लोग मान ले रहे हैं यहां कितना है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, हम लोग ये मान ले रहे हैं बेटा यहां पे कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। इसके बाद ऊपर बढ़ रहे हैं 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 ठीक है ना, 1.8 1.9 और 2.0। तो 2 क्या है, 2 एटमॉस्फेयर, 2.0 एटमॉस्फेयर, या हम लोग इसे लिख सकते हैं, या हम लोग क्या लिखेंगे बेटा इसे, 2.0 एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक बेटा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा 2.0, इसे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 2.0 एब्सोल्यूट प्रेशर। यहां पे लिखा हम लोग ने 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर मतलब किया जाएगा 1 एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सारी चीजों को हम लोग प्रेशर के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी कौन सा प्रेशर बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जब हम लोग मान के चलने की इस रेफरेंस लाइन को अगर एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन मानेंगे, तो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन मानेंगे तो यहां से ऊपर जितना भी प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि बेटा क्या, रेफरेंस लाइन से ऊपर जितना भी हम लोग जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। 0.1 है, 0.2 एटमॉस्फेयर, 0.3 एटमॉस्फेरिक, या 0.3 एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, 0.3 एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, 0.5 हो गया, 0.6 हो गया, 0.9 अप टू 1.0। तो 1.0 एटमॉस्फेयर कहेंगे हम लोग, या 1.10 एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म्स में बात करें तो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, इसी तरीके से 2.0। ठीक है, तो ये से हम लोग कहेंगे 2.0 एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहां पर हम लोग ने कंसिडर कर लिया एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन को, तो यहां पर हमारा बन जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें क्लियर हो गई। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट प्रेशर अगर जनरली बात करें, एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन सबसे नीचे होती है, सबसे ऊपर उसके बाद होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन या 1 एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन को हम लोग ही बोलते हैं बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है ना, ये हम लोग कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, ये चीजें क्लियर हो गया हमारा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। अब ये क्या होती है, अगर हम लोग इसको रेफरेंस लाइन मान लें कि 1 एटमॉस्फेयर रेफरेंस लाइन है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या होते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं बेटा, पृथ्वी पर जब हम लोग रहते हैं तो हमारी जो उस पर प्रेशर एग्जर्ट होता है, हम लोग पे जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है। तो हम लोग बेटा यहां पर इसी लेवल पर रहते हैं, इसी लेवल पर सारा चीजें क्या होती है, जीवन व्यापन होता है और हर एक चीज लाइफ सर्वाइव होती है। ठीक है, तो अब इससे ऊपर प्रेशर हमारा देखो क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली हमारा कितना होता है, हम लोग बात करते हैं तो 101.325 किलो पास्कल। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे कितना होता है बेटा, 101.325 किलो पास्कल इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन पे। ठीक है फ्रेंड, अब जैसे जैसे हम लोग 1.0 से ऊपर बढ़ते हैं, 1.1 1.2 1.3, अब ये प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग जैसे ऊपर बढ़ेंगे, जैसे हम लोग बात करें पहाड़ी एरिया में बढ़ेंगे, हिली एरिया में जाएंगे, तो वहां पे प्रेशर और क्या होता है बेटा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उस केस में हम लोग का प्रेशर बढ़ेगा, तो हम लोग मान गए यहाँ पे 1 कितना पहुंच गया, 2.0 एटमॉस्फेयर पहुंच गया, ये हम लोग कह रहे हैं 2.0 एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो अब जब हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, जहां हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं उससे ऊपर अगर हमारा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर जब हम प्रेशर मेजर करते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट नहीं होता, वहां पर क्या होता है, गेज प्रेशर कैलकुलेट होता है। तो हम लोग अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको रेफरेंस लाइन लेंगे तो इससे ऊपर गेज प्रेशर होगा। तो ये 0.1 जैसे हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसको कहें कि ये हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है जिसको हम लोग यहां पर लिख रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां से ऊपर बढ़े तो हमारा यहां 1.1 पहुंचे, मतलब 0.1 गेज प्रेशर। ये चीज ध्यान रखिए बेटा,
ठीक है, 0.1 गेज प्रेशर लाइन, 0.2, 1.2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा, 1.2 गेज प्रेशर लाइन। इसी तरीके से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो 0.3, 1.3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा, यहां का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.3, तो 0.3 गेज प्रेशर लाइन। इसी तरीके से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो यहां का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.0 गेज प्रेशर लाइन। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1.0 गेज प्रेशर लाइन या गेज प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सीधा कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.0 गेज प्रेशर लाइन। ठीक है, तो यहां से ऊपर इस लाइन से ऊपर जब भी हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं तो वो हमारा कहलाता है गेज प्रेशर। ठीक है, अब एक तीसरा जो होता है हमारा वैक्यूम प्रेशर। अब वैक्यूम प्रेशर कब क्रिएट होता है, क्योंकि जो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यही हमारा क्या होता है, एक तरह से रेफरेंस लाइन होती है, क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग जब भी रहते हैं वहां पे जो प्रेशर क्रिएट होता है हम लोगों पे या कोई भी चीज पे, वो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है बेटा, अब इससे प्रेशर जब हमारा डिक्रीज होता है, जैसे हम लोग बात करें 0.9 है बेटा, तो यहां का डिफरेंस कितना हो गया 0.1। ठीक है, यहां 1 से लेके 0.8 तक पहुंचे तो कितना हो गया डिफरेंस, अब की 0.2। तो ये 0.1 क्या है बेटा, वैक्यूम प्रेशर है। ठीक है ना, 0.1 वैक्यूम प्रेशर है, 0.2 क्या बेटा, वैक्यूम प्रेशर। तो ये आप लोग चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हम लोग कह रहे हैं 101.325 किलो पास्कल से नीचे मेजर कर रहे हैं प्रेशर, तो वो जो प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग नीचे चढ़ते जाएंगे वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहां पर 0.7 है तो 0.3 हो जाएगा, यहां का 1 से लेके 0.6 है तो 0.4 हो जाएगा वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा बेटा, वैक्यूम प्रेशर नीचे की ओर हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पर नॉर्मल प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें वो घटता जा रहा है। तो जब एब्सोल्यूट प्रेशर घटेगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को लेते हैं, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा तो उस केस में वैक्यूम प्रेशर क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग एटमॉस्फेयर से लोअर प्रेशर मेजर करते हैं तो वो हमारा कहलाता है वैक्यूम प्रेशर, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर मेजर करते हैं तो वो हमारा कहलाता है गेज प्रेशर। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्लियर हो गया बेटा, इसको हम लोग गेज प्रेशर भी कहते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये हम लोग कहते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी कहीं कहीं लिखा रहता है पॉजिटिव गेज प्रेशर। ठीक है, या गेज प्रेशर या गेज दाब। ठीक है, वैक्यूम प्रेशर होता है इससे हम लोग लिखते हैं, कहीं कहीं बुकों पे आपको लिखेगा नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं टर्म्स कहीं कहीं बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, वैक्यूम प्रेशर को नेगेटिव गेज प्रेशर भी लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे मेजर होता है। और जब हम लोग बात करते हैं गेज प्रेशर की, तो पॉजिटिव गेज प्रेशर जो होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये सारी प्रेशर लाइन क्रिएट हो समझ में आ चुकी होगी। ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो यहां 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहां पे 2.0 एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। और अगर हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे तो इस केस में इससे ऊपर जो प्रेशर मेजर करेगा वो हमारा गेज प्रेशर होगा, वो पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा। और अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे मेजर करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा वैक्यूम प्रेशर, या हम लोग कहेंगे नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, प्रेशर लाइन सारी मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दी है। ठीक है फ्रेंड, और एक दो तीन चीजें और ध्यान रखिए बेटा, अगर फॉर्मुलेक्स की बात की जाए, अगर हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लें, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, अगर हम आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकलेगा, अगर हम लोग को यहां तक निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो टोटल हमारा प्रेशर है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक बेटा, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब यहां से ऊपर कितना प्रेशर होगा, वो क्या होगा बेटा, वो गेज प्रेशर में जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें गेज प्रेशर निकालना, जैसे अगर मान लो कि हम लोग यहां से ऊपर मेजर कर रहे हैं गेज प्रेशर निकालना है, तो गेज प्रेशर क्या होता है कि जब हम लोग बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से, ठीक है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्लस माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस करते हैं तब उस केस में हमारा क्या आता है,
गेज प्रेशर आता है, ठीक बेटा। अब ये गेज प्रेशर डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर ज्यादा है। अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और एब्सोल्यूट प्रेशर कम होगा, तब हमारा जो गेज प्रेशर होगा वो हमारा बन जाएगा वैक्यूम प्रेशर, ठीक है फ्रेंड। ये हो जाएगा हमारा वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो वैक्यूम प्रेशर क्या हो जाएगा, जो हमने लिखा यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और अगर इन केस एब्सोल्यूट प्रेशर ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब हमारा जो प्रेशर निकलता है वो वैक्यूम प्रेशर ना निकल के वो हमारा निकलता है गेज प्रेशर, और जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक फ्रेंड। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, किस तरीके से हमारा गेज प्रेशर निकलेगा, किस तरीके से हमारा वैक्यूम प्रेशर निकलेगा, ठीक बेटा। तो गेज प्रेशर हमारा ये फॉर्मूला होता है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो वैक्यूम प्रेशर होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो वैक्यूम प्रेशर होगा, और पॉजिटिव होगा तो ये गेज प्रेशर होगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें क्लियर होगी आप लोगों को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर लाइंस फॉर्मूला, प्रेशर लाइन किस तरीके से निकाली जाती है, किस तरीके से हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, द्रव के अंदर दाब, ठीक है, प्रेशर इनसाइड लिक्विड, ठीक है फ्रेंड। तो प्रेशर इनसाइड लिक्विड की बात की जाए, जैसे मान लो कि हम लोग ने ये कोई गिलास ले लिया है, ठीक है बेटा, इस गिलास में हमारा ये लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एच हाइट तक हमारा ये लिक्विड भरा हुआ है। तो जब एच हाइट तक हमारा लिक्विड भरा होगा, तो इसमें क्या है कि जब एच हाइट तक लिक्विड भरा होगा, तो अब ये जो लिक्विड है इस सरफेस पे, अगर हम लोग इस ग्लास की सरफेस की बात करें, बॉटम सरफेस की बात करें, ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस पे क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अभी सी बात है बेटा कि द्रव के अंदर का दाब क्या होगा बेटा, किसी भी बिंदु पर दाब उस बिंदु पर द्रव के भार के कारण होगा, ठीक है बेटा। क्योंकि यहां पर क्या, इसके पाइप के अंदर या मान लो इस ग्लास के अंदर की बात की जाए, इस ग्लास में क्या लिक्विड भरा है, तो लिक्विड क्या करेगा, सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि जो लिक्विड पे, लिक्विड के जो टोटल वेट है, जो टोटल वेट होगा वही हमारा क्या होगा, इस सरफेस पे प्रेशर की जैसे एक्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग ने मान लिया कि भाई जो ये लिक्विड है, जो द्रव है, इसका घनत्व हमारा रो है, ठीक है, घनत्व कितना है, रो है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें द्रव तल की, ठीक है, लिक्विड सरफेस का जो क्षेत्रफल है, ये द्रव तल है, ये हम लोग कहें ग्लास का जो सरफेस है इसका एरिया कितना है, ए है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम लोग बात करें कि सिलेंडर में द्रव का भार कितना होगा, अगर हम लोग द्रव की भार की बात करी जाए, अगर इसका डेंसिटी रो है, ठीक है, तो इसका जो द्रव का भार कितना हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू इसका आयतन, लिक्विड जो हमारा भरा है इसका आयतन, इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका एरिया इंटू इसकी हाइट, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीजें क्लियर हो गई, जो हमारा वेट होगा वो कितना होगा, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या होगा, ये टोटल वेट होगा, यही जो टोटल वेट है ये बॉटम सरफेस पे लगेगा, इसके ग्लास के, और बॉटम सरफेस पे लगेगा तो वो कितना प्रेशर क्रिएट करेगा बेटा, प्रेशर की बात करी जाए तो प्रेशर कितना होता है बेटा, फोर्स इंटू एरिया। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रेशर कितना हो जाएगा हमारा, फोर्स इंटू एरिया, ठीक है, सॉरी प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फोर्स कितना है हमारा, यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू बाई ए, ठीक है बेटा, डब्ल्यू बाई ए हो जाएगा, और डब्ल्यू कितना है हमारा यहाँ पे, रो जी ए इंटू एच और पर यूनिट एरिया, ठीक है फ्रेंड। तो रो जी ए एच अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया में निकाल लें हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। जब पर यूनिट एरिया में निकलेगा तो ये कितना निकलेगा बेटा, रो जी एच, यही हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है, ये हम लोग कहते हैं प्रेशर इंटेंसिटी, जो दाब तीव्रता की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को, यही हमारा क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी हो जाएगी, ये हम लोग कह रहे हैं दाब तीव्रता, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, किस तरीके से हमारा प्रेशर निकलता है, किस तरीके से प्रेशर इंटेंसिटी होती है, ठीक है। प्रेशर इंटेंसिटी पूरे एरिया पे होगा, और अगर हम लोग प्रेशर की बात करेंगे तो टोटल फोर्स हमारा कितना लग रहा है सरफेस पे, ठीक है। तो टोटल फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच,
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल था, द्रव के अंदर के जाओ जो प्रेशर इनसाइड लिक्विड हमारा क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। तो ये पूरा मैंने आपको प्रेशर लाइन क्रिएट अच्छे से समझा दिया है, इन चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सा वैक्यूम प्रेशर है, कौन कौन से गेज प्रेशर है, उसके बाद हम लोग द्रव के अंदर के दाब की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर इनसाइड लिक्विड हमारा कितना होता है, रो जी एच। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर रो क्या है बेटा, डेंसिटी है, जी क्या है, ग्रेविटी है, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.81 हम लोग लेके चलते हैं बेटा। उसके बाद एच क्या है, यहाँ पे एच हाइट है लिक्विड की सरफेस से। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी है ये एच पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, अगर ये हाइट हमारा बदलेगा, चेंज होगा, तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रेशर क्या होता है हमारा, रो जी एच के बराबर होता है, जिसमें रो कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट और एच हमारा कॉन्स्टेंट नहीं होता है, बदल जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि प्रेशर इंटेंसिटी या जो प्रेशर है वो हमारा बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई हैं फ्रेंड्स। तो ये आज मैंने काफी चीजों को डिस्कस किया था, काफी टॉपिक्स मैंने आप लोग क्लियर कराए जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट और न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।